मने के नू कर बैठा भाई के बैठा हूं मास्टर मैं हो लिया तंग हैं क्यों या क्यों आगे ना तो नौकरी पंदी हैं अरे माइक ठाठा के मैं हो लिया तंग तेल तक कौन भुगदा खर्चा ही पूरे करने मेरे मैं तो डोंकी लाके विदेश जाऊं तो दिमाग में फर्क हो रहा है डोंकी लाके विदेश जाऊं डोंकी लाके ना गड़बड़ होगी तो घटना घट गई तो कि मैं डोंकी तो विदेश आ गया पागल है मास्टर मैंने सारा एंड के देख लिया मेरा जुआड़े को नहीं किला बेच के जाना पड़ेगा ना 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 आज मैं दिखाऊंगा तो ना ना मास्टर तो मैंने आ तो मेरे गलत तो आ तेरा पेटा भर जे देख लिए मेरे गलत साल सारे सार में एंड है सार में तो एंड के को नहीं आ तो आज मेरे गलत साल तो बड़े लेके जाओ बढ़िया जगह लेके जाऊंगा तने तो चल मेरे गलत मास्टर तो ना फसाओ मने तो चल के तो देख ले कर गए चलना के मैं नहीं जानदा देखो भीतर जाके देखेंगे बढ़िया जमा विदेश में जाना उतना है विदेश में जाना मास्टर मैं तो बिना पीछे जाना चाहूं मेरा जुगाड़ है मैं एक नंबर का सिस्टम बिठवा दूं तो मैं एनजी फिर तो ठीक होगी मैं अगला साल के देखे करके तो तुम्हारे भीतर बाड़ा भीतर तो बाड़ा अभी अरे ऑफिस में लेके जाऊंगा तना टेंशन ना ले तो चल भीतर चल के देखे करके पूरा नरे पीछे मांगेंगे तो एक करके चल के देख तेरा पेटा भर जे तो ठीक से है बातचीत करांगे बातचीत करने में तो तुम्हें जानता होगा चल 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 चला जाएगा करके अरे बरवाड़ा वाले मास्टर बैट एकेडमी वाले मास्टर बिठा रखे ये मन विदेश भेजेंगे कमाल कर यार तो एक करके बातचीत तो करके देख ले करके मेरे नमस्ते मुंह घबराने लग रहा है बैट एकेडमी वाले मास्टर में जानू हिंदी पर बातचीत तो कर लिया कर गया तेरा पेटा भर जे तो मैं जीत हूं ठीक ये बाड़ा कह रहे हैं ये इनके सारे बिजी है या हूं बिठा रखे होंगे उरा हूं थोड़े बिठा रही हूं कौन बिठाओ आओ आज मेरा हिंदी बुलाऊं बुला ले वो दिखाना इन तो पूछांगे आप इंक्वायरी लेवांगे पूरी अच्छा तो घबराओ क्यों मास्टर न्यू को हम विदेश भेज दोगे आप भेजा जा इसका विदेश उड़ो बैठे हो गुडू मैं तंग हो लिया मास्टर जी मैं जाना विदेश लेकिन मेरे पीछे को नहीं मैं जाऊं डोंकी तरियो मास्टर तक कर रहा है मेरे गला ना डोंकी के जाने की जरूरत है को नहीं भाई पहली बात तो डोंकी का काम करते ही को नहीं दूसरी बात आपके पास बढ़िया मौका है कम पैसे में आप विदेश जा सको हो तो डोंकी मारने की जरूरत को नहीं ठीक है कुकर जास का मास्टर मैंने किला बेचूंगा मेरा जुगाड़ को नहीं एक डेढ़ किल्टा मेरा आवा हो तो हम बिकवा दियो ना किला बेचने की भी जरूरत को नहीं कम खर्चे में ना किला बेचना ना घर बेचना कम खर्चे में आप आराम से जा सकते हो +2 पास हो ठीक है आपको बेसिक इंग्लिश आनी चाहिए ना आपको आईएलटीएस की जरूरत ना पीटी की जरूरत क्यों मास्टर बुक रहने दे मास्टर तुम बुक आईएलटीएस पीटी बिना कौन बेचेगा रे ऐड भेजेंगे टेंशन क्यों ले सारा इंसार माइंड ले सारे हरियाणा माइंड ले मास्टर में या चीज तो कड़ियां भी कोनी की वे आईएलटीएस पीटी की में भी आना की में भी कोनी आंदा ना ऐसा कुछ कोनी ठीक है चिंता ही बात कोनी दोनों नहीं है तो कोई खास बात नहीं फिर भी आप विदेश जा सकते हो आपको बेसिक इंग्लिश पूरा जरिया बताए तो कौन से देश में जा सकियो आप मैं मास्टर गाने जाऊं ना ठीक सा लागब धर रहा है पासपोर्ट वीजे बाजे ये के कुकर लाइन लग रहे मास्टर जी आप जागलान साहब ये बच्चे बैठे हैं इनके वीजा हैं आप इनसे पूछ सको हो आगे इनमें से किसने आईलेट्स कर रखी है किसने पीटी कर रखी है इन खुद ने बिना आईलेट्स पीटी करे इन सब के वीजा रहे हैं ये सारे जान लग रहे हैं। रही बात आप लोगों को बहुत पैसे की यहाँ कोई बात ही को नहीं बहुत ही कम खर्चे में ये पैसे जान लग रहे हैं ये आप उनको वीजा के साथ साथ हम तो आपको कार्ड देवांगे वहाँ का पीआर का कार्ड लोगों को पीआर मिलती नहीं आप यहीं से लेके जाओगे पीआर का कार्ड आप पीआर का कार्ड है हाँ जी ये पीआर का कार्ड है इसका क्या आग्रह है टेम्परेरी रेजिडेंस परमिट इससे आप 27 कंट्रियों में कहीं भी रह सको हो। अच्छा हाँ जी फिर मैं इतने पीछे लाके आप बेचोगे मेरा मैं कल्ला हूँ मास्टर कर रहा हूँ मेरा दिक्कत हो जाएगी मैंने उल्टा आना पड़ गया डोंकी तो केवल उल्टा जाऊँ आप उल्टा तो डोंकी था तो आप भी कौन सको ये भी को नहीं पता कि आप पहुंचोगे कि नहीं पहुंचोगे। आपने काम वो ही करना चाहिए जो सरकार से अप्रूव्ड हो जिन लोगों के पास लाइसेंस है उन्हीं के जरिए जाना चाहिए हमारे पास लाइसेंस है इस चीज का भेजने का। दूसरा अगर ये कार्ड से आप किसी दिन भी कितनी बार आओ आपका जब जी करे उसे टाइम टिकट ले आ जाओ कुछ यो पास हो गया यो एक किस्म का एटीएम कार्ड समझो आप जितनी बार अपना एटीएम में दे दिया पीछे देते हैं उसी तरह जितनी बार एयरपोर्ट पर जाओगे दिखाओ और कितनी बार इंडिया में जाओ। अच्छा आपका जब मर्जी करे जब आओ जाओ और जब मैंने काम धंधा नहीं मिला काम धंधा 27 कंट्रियों में भी नहीं मिला तो मिलागा कहाँ यूरोप 27 कंट्रियों का सेनेगन का ये वीजा है। अच्छा। ये देश में दूसरा के हम जो प्रोग्राम करवा रहे हैं लैंग्वेज का स्किल का कोर्स करवा रहे हैं स्किल के कोर्स के अंदर बच्चे को काम मिलता है आपको महीने 2 महीने 3 महीने का काम सिखाया जाएगा उसके बाद आप जा करके वहाँ पे वो काम करिए काम इंस्टीट्यूट खुद से प्लेसमेंट देता है 100% उनकी प्लेसमेंट है सब जो बच्चे जा रहे हैं उन सबको पीछे गए उन सब की है इन सब की है ये सही ओरिजिनल बिठा रहे होगे आप इनके आईडी चेक करो आप लाइसेंस ये रिकॉर्ड आप इनके फोटो देखो इनसे साहिल कौन सा भाई मास्टर जाइए नुना है कौन सा काम भाई का साहिल कौन सा काम भाई मेरा बरवाड़ा है बरवाड़ा। अच्छा कितने का रुपये ला दिए बहुत कम खर्चा में सर विदेश भेजने लग रहे हैं। अच्छा तेरा है वायु। हाँ, मेरा है। अच्छा, या गुड़िया कटकी है, कटकी है खासा महाजन, खासाड़ा चार सुना होगा उस गांव की है गया। तो कितने रुपया में जाओ, सही सही बताइए बेबे। बस सही है, बस किला काला बेचने कोई जरूरत को नहीं। आईएलटीएस वगैरह पीटीए किमें और किमें करना पड़ा। अच्छा, कौन सा देश का? स्लोवेनिया। स्लोवेनिया यूरोप का देश है स्लोवेनिया। अच्छा, थोड़ा अलग है, देख ले नाम में मन तो आज सुना मस्ती हो। अच्छा, आप सर्च करके देख लियो। भाई भाई तो भाई का दौरा रही, कौन सा गांव का भाई साहब दोबारा लगाइए। मुगलपुरा का उकलाना दौरा, मुगलपुरा है उकलाना पास में। अच्छा, नरेश सेलवाल का दौरा जा लिया। तो कितने दिन पहले आड़े संपर्क होया था मेरा? पहले मैं किशन सर दौरे पढ़े करते बरुवाड़ा अकेडमी में। अच्छा, तो सर ने बताया कि न्यू न्यू बढ़िया वो है, लाइसेंस है उनपे, तो इसलिए वो आए थे। स्लोवेनिया का लग गया क्या? हाँ भाई, स्लोवेनिया का लग। सारे ना स्लोवेनिया भेजोगे क्या? हाँ, यूरोप में। इस बार इधर हो रहा है, ये कौन सा गांव का है? बाडोपट्टी गांव का हूँ, मेरा नाम विकास है। बाडोपट्टी का? हाँ जी। अच्छा, तो सच्ची सच्ची नहीं बताया मतलब कितना खर्चा के बेच के जान लग रहा है? क्योंकि बिना बेचे तो कड़िया जाना ही नहीं। कीमे बेचन की जरूरत ना पड़ी। अच्छा, सीधे सर दौरा पड़ा कर दे है और उन्होंने बता दिया कि कम खर्चा में और तारा वीजा लग जाएगा। अच्छा, और भरोसा के आदमी है, 100% वीजा है। तो उस दिन और आज का दिन, आज वीजा लेना है हम लोग। इंग्लिश इंग्लिश कितनी गाँव है? इंग्लिश ठीक ठाक इंग्लिश आवे कि मैं ज्यादा पढ़े नहीं, बस बीटेक रखी है, वो भी कदेशी गए है कदेशी ना गए। अच्छा, हाँ जी। तो पेरेंट्स बैठे हैं, पेरेंट्स को पूछ लिया बना जा भाई एक बार। हां, राम राम जी, नमस्कार जी, नमस्कार। कौन से काम तो हो? बाडोपट्टी से। बाडोपट्टी से छोरा विदेश में जाने लग रहा है? हां जी, बिल्कुल खुश हो? हां, बिल्कुल खुश। हां जी, जल्दी आए हैं। के बेचे? सच्ची सच्ची बताओ, सच्ची खर्चा बेचने की नौबत ही कोनी आई जी। अच्छा, हां, ये बच्चा ही मेहनत का परिश्रम है और इनका सर की परिश्रम है। अच्छा, वो बैंड बूंड करते ले आए हुए, करते खरीदे, इन बेचा नहीं बेरा, अपन नहीं बेरा जी। अच्छा, हाँ, उनकी जरूरत को नहीं, बस उनकी जरूरत ही कौन पड़ी। अच्छा, हाँ, आज भाई साहब की मैं सच्ची बात है, उन भरोसा को नहीं लग रहा है। बिल्कुल सच्चाई है जी, इसमें कोई दुराई नहीं इस बात की। ये आपके सामने है और वीजा आ गया, अभी टिकट बन जाओगी 5-7-10 दिन में उस पर यूनिवर्सिटी में पहुंच जाओगे। मास्टर बात तो सच्ची लग गए, डब्बे दे रहे हैं मिठाई के, साहब भी खाली दे रहे हैं, देख ले खोल के ना। ना भाई, मोतीचूर वाले लड्डू हैं, दिखाइए एक बार। सारे होंगे अलग अलग। अच्छा, मतलब यह बात भी मेरा पड़ जाए, एक सारी इकट्ठी मिठाई पाएगी तो कुड़ियां कुड़ियां पसो। एक हफ्ता पहले भी 8 बार भी जाड़ता गए हैं मैं बालक, एक हफ्ता पहले मैंने वीडियो बनाई थी तो गए हैं, आज भी पूछेंगे। मास्टर जी खड़े हो जाइए अगर गए सर जी। हां, तो अगर बात करा फिलहाल की, कितने बालक जान लग रहे आपके? फिलहाल तो पिछले वीक भी 8 बच्चे गए थे, 5 बच्चे इस वीक में आए हैं। एवरी वीक हमारे भी जान लग रहे हैं। अच्छा, हाँ, लगातार इसमें आ रहे हैं। और बहुत सी, जहाँ तक बात करें कि अगले जनवरी के इनटेक के अंदर जर्मनी से यहाँ पे कंपनियां लग रही हैं, वो कंपनियां डायरेक्ट यहाँ पे इंटरव्यू लेंगे, उसे टाइम पे जॉब भी दे रही हैं। जैसे जो लोग यहाँ पे अच्छे ड्राइवर हैं, हैवी लाइसेंस हैं, उनको वहाँ की जो रोडवेज की जो बसेज हैं उनमें लेने के लिए कंपनी यहीं पे आने लग रही है। अच्छा, जिन बच्चों ने यहाँ कहीं होटल मैनेजमेंट का डिप्लोमा कर रखा है, होटल से संबंधित कोई भी एक्सपीरियंस है उनके पास, तो उन लोगों को भी डायरेक्ट कंपनी यहीं आकर के ऑन द स्पॉट उनको नौकरी देगी और यहीं से उनको फिर वीजा लग के जाएंगे। वो न्यूजीलैंड के अंदर भी हैं और इसके जर्मनी के अंदर भी हैं और स्विट्जरलैंड के अंदर भी। तो मैं डोंकी कैंसिल कर दूंगे? बिल्कुल बिल्कुल, डोंकी तो जाना ही नहीं चाहिए, सोचना ही नहीं चाहिए इस बारे में। जो चीज गलत है वो गलत होती है। अच्छा, मैं तो शुरू में आपको ये बताया भी, बिना लाइसेंस वाले लोगों से आपने मिलना ही नहीं चाहिए। और कोई भी लाइसेंस शुदा आदमी है वो आपको अच्छी राय देगा, अच्छी चीज बताएगा, कोई भी इस तरह की राय नहीं देगा। आप डोंकी से बालक को लिए बेरोजगारी तो परेशान मास्टर जी, उन्हें कौन बेरा, कौन लाइसेंस ले रहा है कौन ना ले रहा है, सारे फर्जी बैठे हैं, बहुत से लोग पीछे ले भेजे, कुकर भरोसा कर आपको ऊपर की आप ओरिजिनल हो। क्योंकि भारत सरकार की वेबसाइट के ऊपर ये सारी चीजें लिखी हुई हैं। दूसरा कि उसका जाते आप लाइसेंस देखो, सबके पास लाइसेंस होता है, अपने पास वो लाइसेंस है वो दर्शन, तो वो भारत सरकार का लाइसेंस होता है। जो बच्चा जाएगा वो भारत सरकार के लाइसेंस पे रिकॉर्ड पे होगा। अच्छा, यदि वो डायरेक्ट डोंकी के जरिए या किसी जरिए भी डायरेक्ट चला गया, आपने रोज रोज देखिए वहां पहुंचने के बाद ये समस्या आती है, बच्चे को काम नहीं मिला, वहाँ ये कहता है मेरे को बुला लो एम्बेसी में, एम्बेसी में उसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं होता, इंडिया वाले भी मना कर देते हैं, वहाँ के लोग भी मना कर देते हैं, तो वो फंस जाता है बच्चा। अब यहाँ से भारत सरकार के रिकॉर्ड में होकर के ये बच्चे जाएंगे, रिकॉर्ड से ही वहाँ रिकॉर्ड में रहेंगे। अच्छा, तो इसमें सारी भारत सरकार की भी और हमारी भी सबकी जिम्मेवारी रहती है। अगर मैं स्टडी वीजा की बात करूँ, स्टडी वीजा खातिर भी जरूरत को नहीं है, इनकी बैंड बुंडा गिर के आएगी भी नहीं, यूरोप के अंदर कुछ कंट्री ऐसी हैं जिसमें बैंड की जरूरत होती है, लेकिन बहुत ज्यादा ऐसी भी कंट्री हैं जिसके अंदर बैंड की कोई जरूरत नहीं है। बैंड की जरूरत नहीं है इसका मतलब ये नहीं है कि उसको इंग्लिश आनी नहीं चाहिए। बेसिक सी इंग्लिश जैसे हम आप लोग एक दूसरे को समझ लेते हैं, बोल लेते हैं, इतनी अंग्रेजी जो समझ सके, तो वो इतनी अंग्रेजी जिसको आती है वो आसानी से जा सकता है। देखते मैंने तो हमेशा देश में फंसा दे उड़ा सुरक्षित कितने देश इसी जगह लगते वीजा रोड तो उल्टा ही नहीं आ जाए। वर्ल्ड की टॉप हैप्पीनेस कंट्री पिछले 3 साल का उठा के देखो फिनलैंड ही है, वो यूरोप में ही है। और यूरोप की 27 कंट्रियों का वीजा है, किसी एक का नहीं है। फंसने की जहां तक बात करें हम, वो ये होता है कि यदि आपका पासपोर्ट आपसे खोज लिया जाए, वहां लेके एम्प्लॉयर या कॉलेज जमा करा ले, आपके पास यहाँ TRC कार्ड यहीं से मिलके जा, कितनी बार जाओ आपको रोकने वाला कौन है? किसी भी टाइम पे आपको ये लगता है मैं पकड़ के उसी टाइम आ सकते हो आप, यानी रोज आ जाओ, रोज चले जाओ, पास बना के दे दिया, बिल्कुल पास बना के दे। या तो कौन से देश वाले को नहीं, आप करते ले आए? नहीं, स्लोवेनिया कंट्री देती है, वो कंट्री का ही है। अगर मैं बात करूं, आप तो मिलना चाहो तो कड़ा मिलो, आप कड़ा यही मिला इसार में ही। एड्रेस बता दो आपका। SCO 9 रेड स्क्वायर मार्केट इसार। अच्छा मास्टर जी, मैंने भरोसा कर लिया तेरे पे, मेरे पे भी, इन पे भी कर लिया भरोसा। इन पे तो पाछा करूंगा मैंने, मैं जाऊंगा ज्यादा क्यों मैं ऊपर कर लूं तो माड़ा मन लग रहा है। अरे हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर दरिया भी आएगा, थक कर ना बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, तेरा मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। जो स्लोवेनिया भी जाएंगे इतना तो नुकसान से जमाने हल कर दिया हमें, तो ये वाला करने हल रे स्लोवेनिया साहब। अच्छा वीडियो रे काती था मैं तो भाई, अगर आपने भी स्त्रियां विदेश में जाना है तो एक बार मैं दोबारा अपना एड्रेस बता दूं, दर्शन मास्टर। फिर भी मैंने जाना पिछाना लागा बैट एकेडमी में रहा बरवाड़ा। मास्टर जी भरोसा करूं? हां बिल्कुल सही बात है, हां पक्की तसल्ली है। एड्रेस बता दे भी सारे मास्टर जी। अच्छा ग्लोबल स्टडी सेंटर रेड स्क्वायर मार्केट SCO 9 LG के शोरूम के ऊपर। अच्छा ठीक है, तो आज भाई सार आप इशारा हो, ये लससले बैठे मास्टर जी। अरे देखो मिठाई के डब्बे खुले बैठे हैं और जो है बिल्कुल एक पास देवे है, जो अपना मेट्रो का पास हो रही कुएं चढ़ो कुएं उतरो कुएं जाओ कुएं आओ, तो इशार में आओ। ठीक है मास्टर जी, मैं भी आज देऊं कागज हिंदी फिर आज है। हां तो भाई सार पहुंचो एक बार आप, और आपने क्या लगा है वह जरूर बताइयो, वीडियो ने शेयर करियो। धन्यवाद।